जीवन उत्साह न्यूज की आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। उचित मूल्य की दुकानों में उपभोक्ताओं को सस्ता रिफाइंड तेल देने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ताओं को अब सरसों के बाद अब रिफाइंड तेल भी सस्ता मिलेगा। इसको लेकर खाद्य आपूर्ति निगम ने टेंडर आमंत्रित किए हैं। गुरुवार तक कंपनियों को तेल के सैंपल जमा करने के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि इसमें 4 कंपनियों ने टेंडर में भाग लेने की बात कही है, लेकिन अभी तक एक ही कंपनी ने तेल का सैंपल जमा कराया है। शेष कंपनियां आज सैंपल जमा करा सकती है। हिमाचल के स्कूलों में विद्यार्थियों शिक्षकों के लिए फेस मास्क अनिवार्य। हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में गुरुवार और ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 30 जुलाई से बरसात की छुट्टियां समाप्त होने के बाद नियमित कक्षाएं शुरू होगी। निदेशालय की ओर से स्कूलों को जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि विद्यार्थियों के बीच उचित 2 गज की दूरी बनना सुनिश्चित की जाए। राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए सभी पंचायती राज संस्थाओं को करना होगा अब आवेदन। हिमाचल की सभी पंचायती राज संस्थाओं को अब राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए आवेदन करना होगा। इस संबंध में सरकार ने संस्थाओं को पत्र जारी कर दिया है। राज्य पुरस्कार के लिए सभी जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए आवेदन नहीं कर रहे। मामले पर प्रदेश सरकार ने संज्ञान लेते हुए फरमान जारी किए हैं। राज्य पुरस्कार के रूप में विजेता जिला परिषद को 50 लाख, पंचायत समिति को 50 लाख और पंचायतों को 10-10 लाख का पुरस्कार मिलता है। श्रावण अष्टमी मेला के दृष्टिगत श्री नैना देवी में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा, परिंदा भी पर ना मार सके। हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में कल 29 जुलाई से श्रावण अष्टमी मेला शुरू हो रहा है, जिसके लिए आज पुलिस और होमगार्ड के जवानों की ड्यूटी लगा दी गई है। मेला अधिकारी SP बिलासपुर रमेश शर्मा ने मंदिर के भव्य मेले के लिए तैयारी की। अधीर रंजन चौधरी का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए दिया गया बयान दुर्भाग्यपूर्ण। बयान के लिए सोनिया गांधी भी मांगे माफी। संबित पात्रा। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर दिए गए बयान पर देश भर में बवाल पसरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए चौधरी के इस बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी का यह बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं पचा पा रही कि आदिवासी समाज से एक महिला देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंची है। हिमाचल में कोरोना के 916 नए मामले, एक संक्रमित की मौत। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को 916 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बुधवार को जिला चंबा में 65 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिला ने दम तोड़ा। प्रदेश में कोरोना सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 4914 पहुंच गया है। प्रदेश के 84 कोरोना संक्रमित लोग अस्पतालों में भर्ती है। लगातार कोरोना के मामले में बढ़ने से सरकार ने अलर्ट जारी किया है। लोगों से कोरोना के प्रति सतर्क रहने को कहा है। नियमित करने की मांग को परिवार के साथ सचिवालय पहुंचे SMC शिक्षक। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति के तहत कार्यरत 2555 शिक्षक अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर उग्र हो गए हैं। PTA, PET व पैरा की तर्ज पर नियमित करने की मांग कर रहे शिक्षक वीरवार को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ राज्य सचिवालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से नियमित करने की मांग की। SMC शिक्षकों का कहना है कि SMC शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल कई बार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर से मिल चुका है। चिनाईगढ़ नाले में बादल फटने से भारी तबाही, जान बचाकर घरों से भागे लोग। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के निर्मट खंड की बागा सराहन पंचायत के चिनाईगढ़ नाले में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। चिनाईगढ़ गांव के लोगों ने सूचना मिलते ही घरों से सुरक्षित स्थानों की ओर भागकर जान बचाई। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जानकारी के अनुसार भारी बारिश होने से नाले के तेज बहाव के साथ घरों में मलबा घुस गया, जिससे कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। जिला प्रशासन मेधावी बच्चों को देगा कोचिंग। जिला प्रशासन बायजू कंपनी के साथ चल करेगा MOU साइन। जिला प्रशासन मेधावी बच्चों को जल्द विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने को लेकर कोचिंग देगा। ADC सिरमौर मनीष कुमार यादव की पहल पर जिला प्रशासन बायजू कंपनी के साथ जल्द MOU साइन करने जा रहा है, जिसके बाद दूरदराज क्षेत्र की मेधावी छात्रों को बच्चों को विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी। ADC सिरमौर ने कहा कि जिला सिरमौर के दूरदराज क्षेत्रों के मेधावी बच्चों को आज कोचिंग के अभाव में कई परीक्षाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। गरीब बच्चे के मेधावी बच्चे कोचिंग लेने में असमर्थ होते हैं। ऐसे मेधावी बच्चों को अब जिला प्रशासन जल्द ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध करवाएगा। प्रदेश में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट। नदी नालों से दूर रहेंगे लोग।
हिमाचल प्रदेश में आज और कल भारी बारिश के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 2 दिन येलो अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। गुरुवार को ऊना, चंबा व कांगड़ा जिला में तथा मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर जिला में शुक्रवार को बारिश हो सकती है। राज्य में अब तक मानसून सामान्य से कम बरसा है।